आपकी पहली रेजिमेंट के बारे में जरूर मैं जानना चाहूंगी कि पहली रेजिमेंट आपकी क्या रही और उसकी ग्लोरी क्या थी। अक्टूबर 1971 में हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे, एक दिन सडनली ऑर्डर आए कि ड्रिल स्क्वायर में सारा कोर्स फॉलन, तो हम वो परेड ग्राउंड में फॉलन हो गए और हमारे एडजुटेंट साहब सफ़ेद घोड़े पे आते थे, वो चार्जर पे आए वहाँ पे, बोले जेंटलमैन वी आर वेरी इंप्रेस्ड बाय योर ट्रेनिंग, बहुत अच्छा कर रहे हो आप बच्चों, और हम आपको एक महीना पहले पास आउट किएंगे। हम लोग ताली ये वाह करने थे। आप खुश हो रहे। तो वो बेचारे ना वो बोले देखो यार ये लड़के, अपने जो असिस्टेंट एडजुटेंट था उसकी तरफ मुड़े और बोले कि ये बेचारे तालियाँ बजा रहे हैं, इनको पता नहीं बहुत बुरा हाल होगा, आई फील सॉरी फॉर दिस बॉयज। बोला क्यों सर, ऐसी क्या बात है? बोले देखो जब तक ये पहुँचेंगे पलटनों में लड़ाई शुरू हो चुकी होगी, ना ये लड़कों को जानते होंगे ना लड़कों को इनका नाम पता होगा, सीधे लड़ाई के मैदान में पहुँचेंगे, गर्म खून है, जोशीले हैं, करके कुछ दिखाना चाहते हैं। बोले सबसे ज़्यादा आगे जाएंगे, सबसे ज़्यादा मारे जाएंगे, बहुत नुकसान होगा। उनके अल्फाज बिल्कुल सही थे। हमको 14 नवंबर 1971 को कमीशन मिली, एक महीना पहले 10 दिन छुट्टी दी मम्मा पापा को देखने के लिए, और आप अंदाज लगा सकती हैं कि मेरे मम्मा पापा कितने वरिड थे। कुछ ही साल पहले एक लड़का गया था, अब दूसरा लड़का। कमीशन होते ही सीधा मैदान जंग में जा रहा है ये, वो बहुत टेंस थे, कुछ नहीं कहा, चुप रहे। और मेरे को भी याद आया कि जिस तरह मैंने अपने भाई को रेलवे जबलपुर के रेलवे स्टेशन पे विदा किया था, उस तरह मुझे विदा किया जा रहा था। मेरे को नहीं पता था कि मैं जिंदा आऊँगा या लाश के तौर पे आऊँगा वापस जबलपुर। तो इस तरह से हम लोग गए, 10 दिन की छुट्टी पूरी हुई, हम लोग ट्रेन में बैठे, असम मेल पकड़ी मेन वहाँ से इलाहाबाद से, और उसके बाद फिर वो ट्रांसफ़र होते हैं टू छोटी असम मेल, वो चलती है मीटर गेज, हम जाके सिलीगुड़ी पहुँचे। कोई 30-35 लड़के मेरे बैच के उस ट्रेन में बैठे थे, हम उस तरफ जा रहे थे, ईस्ट की तरफ जा रहे थे। और जब हम उतरे रेलवे स्टेशन पे, वो चिलमिलाती धूप जो कि नवंबर एंड की 25-26 नवंबर हो गया था, चिलमिलाती धूप, और बाहर जो रेलवे स्टेशन देखा तो फौज से खचा खच भरा हुआ, लड़कों ने स्टील हेलमेट डाल रखी और राइफलें कंधे पे, और कंधे पे बेनेट चमक रहे, शरारा बोलते हैं हम उसको, शरारा, जब वो लाइट चमकती है ना संगीनों पे, तो वो वहाँ नज़ारा था वहाँ पे। तो हम लोग उतरे, एक दूसरे से गले मिले, कि पता नहीं था कि फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बट उसके बाद हमारे जवान आए, बोले साहब जल्दी करो साहब जी, वो पलटन बांग्लादेश में। हम लोग बोला ये सामान, ये ट्रंक कहाँ रखना है? और साहब जी इदा फिक्र ना करो, ये रियर इज पूछ जाएगा, तुसी ये फड़ो तुहाडी स्टैंड, ये फड़ो तुहाडी स्टील हेलमेट, तो संगीत लगा लो साहब, रास्ते में कुछ पता नहीं कहाँ कुछ हो जाए। वहाँ से सीधा हम लोग गए, और मोस्ट ऑफ अस फर्स्ट नाइट ऑफ सर्विस लड़ाई में थे। पहली रात मेरे कितने सारे साथी मारे गए, एडजुटेंट साहब ने बिल्कुल सही कहा था, कितने सारे साथी शहीद हो गए, कईयों की हाथ गए, कईयों की टांग उड़ गई, और अजीब बात है कि जो दौड़ने में सबसे अच्छा था उसकी टांग गई, जो बॉक्सिंग सबसे अच्छा बॉक्सर था उसका हाथ उड़ गया। ये होता है लड़ाई के मैदान में, और नुकसान बहुत हुआ, लेकिन हमको बहुत फख्र है कि हमारा वो बैच है, बैच ऑफ 71, जो कि कटिंग एज पे था जब हमारी फौजों ने मात्र 14 दिन के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। यू अंडरस्टैंड, हम लोग बांग्लादेश में 550 किलोमीटर अंदर 3 साइड से घुसे, बांग्लादेश यानी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर तिरंगा झंडा फहराया, और 97,000 पाकिस्तानी कैदियों ने आत्मसमर्पण किया। इतने बड़ा सरेंडर द्वितीय महायुद्ध के बाद पहली बार हुआ था। ये सबसे शानदार जीत है भारत की, बाहुबल इस जोर पे हमने एक नए देश का निर्माण किया, और लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाले जुर्रत, सितारा पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि, वो चूहे की तरह अपनी पिस्टल लेके वो थमा रहा था लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को, ये हमारी आंखों ने देखा।